तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद में निकोन ने अपना जो APS-C का मिररलेस कैमरा है, फर्स्ट कैमरा Z50 के नाम से, Z50 भी आप बोल सकते हो, वो अभी लॉन्च कर दिया है और उसका हमारे पास फ्रेश पीस भी आ गया है। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी, जो कि आप देख सकते हो Z50, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ के साथ हम इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से किट आ रहे हैं और कौन कौन सी क्या क्या इसकी आफ्टर डिस्काउंट आपको बेस्ट प्राइस मिल सकती है। तो अंत तक हमारा वीडियो देखते रहें, साथ में क्या क्या आ रहा है सब बताएंगे आपको और एक अच्छा सा रिव्यू पहले इसको मैं यूज़ कर लूँ, कैसे इसके रिजल्ट है फोटोग्राफी वगैरह के वीडियो में, उसके बाद में 2-4-5 दिन में इसका हम एक रिव्यू भी लाएंगे। तो आज ओनली अनबॉक्सिंग और प्राइस का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 World, जिसके अंदर आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं निकोन के फर्स्ट APS-C मिररलेस कैमरे Z50 का, जो कि DX1650 किट के साथ में है। ये सबसे फ्रेश मॉडल है और साथ के साथ बता दूं इसमें क्या क्या आते हैं, पहले अनबॉक्सिंग से पहले बाहर का ही आपको बता देता हूं इसके साथ में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट चीज़ जो इसके साथ में आ रही है वो है सैंडिस्क का 64 GB का एक्सट्रीम प्रो कार्ड आएगा, जिसकी MRP 3000 रुपये है। ये बंडल ऑफर के साथ में आपको इसके साथ में फ्री आ रहा है। और एक निकोन का बैग है, ये वैसे जिलेट का बैग है, तो ये भी साथ में इसके साथ में अभी हाल फिलहाल ऑफ़र में फ्री आ रहा है, जिसकी MRP जो है 2199 रुपये है, मतलब 2200 का ये बैग है। ये दोनों चीज़ अभी बंडल ऑफ़र के साथ में इसके साथ फ्री आ रही है। और यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देख सकते हो, मैं क्लियर व्यू आपको करवा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो मॉडल नंबर है निकोन Z50 और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 1/2020 की, मंथ ऑफ ईयर इंपोर्ट का, सॉरी 1/2020 की। और जो MRP है इसकी 85,995 MRP है, जो कि आप क्लियर व्यू में देख सकते हो, या इसको पूरा पढ़ना चाहें तो पोस्ट करके भी देख सकते हो, साथ के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आ रही है वो भी यहाँ पर सब कुछ आपके मेंशन है। तो मैं भी पहली बार इस कैमरे को देखूंगा, तो पहले हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जी हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें पहली जो चीज़ आती है वो निकोन वर्कशॉप से रिलेटेड आती है, कि कोई भी आप वर्कशॉप लेना चाहते हो तो ये निकोन स्कूल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह का है कि निकोन 2 ईयर वारंटी है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये उसका कार्ड है, ये भी आप चाहो तो पूरा पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 वारंटी कार्ड आएंगे और आप कॉम्बो लेते हो तो 3 वारंटी कार्ड आते हैं। ये बॉडी का है और साथ के साथ में ये इसके लेंस का है, जो कि 1650 लेंस है। और साथ ही साथ मैनुअल आती है, पूरा यूज़र गाइड है कि क्या क्या चीज़ है और आप कुछ सीखना समझना चाहते हो फीचर के लिए, तो काफ़ी बड़ी बुक है इसमें, ये आप देख सकते हो। ये हमारा कैमरा, चलो कैमरा आपको बाद में दिखाते हैं सरप्राइज़। ये इसका लेंस है और ये शायद ही मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे छोटा लेंस होगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट और काफ़ी छोटा लेंस निकोन ने बनाया है इसके लिए, जो कि आप देख सकते हो। इसका जो कैप का जो साइज़ है वो 46 mm का कैप है और ये जो लेंस है ये आपके आएगा 1650 लेंस है और 3.5 to 6.3 इसका अपर्चर है और जो कैप का साइज़ है वो 46 mm का है। और ये साइड व्यू पीछे से, ठीक है। और इसमें 2 रिंग है, ये मैनुअल फोकस रिंग और ये जूम रिंग, ठीक है। अभी ये लॉक है इसमें, तो ये इतना बाहर भी निकलता है। चलिए लेंस अभी साइड में रखते हैं, ये लेंस हो गया। इसके साथ में ये इसकी बेल्ट आती है निकोन की, ये इसकी बेल्ट हो गई बेल्ट। साथ में ही ये डाटा ट्रांसफ़र की केबल है, जो नॉर्मल केबल आती है अपने, टैप सी नहीं है, क्योंकि आपने Z6 और Z7 में देखा होगा उनमें टैप सी है, इसमें टैप सी नहीं है, नॉर्मल अपने USB केबल जो आती है वही है। बैटरी जो है चेंज की है निकोन ने, जो Z6 और Z7 आते हैं उनके अंदर 15B बैटरी आ रही है,
इसके अंदर आपको 25 नंबर की बैटरी देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है बैटरी में नंबर ऐसे लिखे हों, आपको क्लियर दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है कोई, ये देखिए थोड़ा देख सकते हो आप, ठीक है। तो बैटरी नंबर मैंने भी नहीं देखा है, 1120 mAh की बैटरी है, ENL 25। ओके, बैटरी भी यहाँ रख देते हैं। और ये इसका चार्जर है, ENL 25 का चार्जर का मॉडल नंबर है MH32, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो MH32 चार्जर का मॉडल नंबर। ये इसका चार्जर हो गया, इसको वापस पैक कर देते हैं, हम साइड में रख देते हैं। और लास्ट चीज़ जो आप देखना चाहते हो वो है निकॉन Z6। ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, ये इसका फर्स्ट लुक है निकॉन, सॉरी Z6 मैं गलती से बोल गया, निकॉन Z50। और ये काफ़ी छोटा कैमरा है, थोड़ा मैंने Z6 और Z7 के कंपेयर में करें तो थोड़ा सा छोटा कैमरा है। ये सारे मैनुअल के बटन आ गए, और यहाँ पे दो फंक्शन बटन भी दिए हुए हैं प्रोफेशनल कैमरे की तरह, जो कि आप क्लियर देख सकते हो। बैटरी इधर वही सेम जहाँ पे पहले लगती आई है, नीचे ही यहाँ पे बैटरी लगेगी। और यहाँ पे आप ट्राइपॉड स्टैंड लगा सकते हो। ये इसका माउंट है, माउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि Z6 और Z7 जो फुल फ्रेम कैमराज हैं उनके भी आप माउंट, उनके भी लेंसेस जो हैं वो इसमें आप फुली कंफर्टेबल तरीके से लगा सकते हो। ये इसका माउंट हो गया, बिल्ट इन फ्लैश भी है इसके अंदर, ये फ्लैश है। तो जो नई बैटरी आती है वो चार्ज नहीं आती, इसलिए मैं आपको जब इसका फुल रिव्यू करेंगे तब दिखा दूंगा इसमें। हाँ, एक और अच्छी चीज़ आई है, टैली और वाइड। आप जैसे पहले डिजिटल कैमरे में करते थे, नया फीचर आया है जूम इन आउट, आप यहीं से कर सकते हो फोटो देखने के लिए आप। और स्क्रीन जो है टिल्ट स्क्रीन है 180 डिग्री की, अप एंगल और डाउन एंगल आप इजीली ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये नीचे तक जाएगी और ये ऊपर तक है। और साथ ही साथ फीचर वगैरह फंक्शनिंग वगैरह मैं भी पहली बार देखूंगा। हाँ, अटैचमेंट की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो, बिल्ट इन वाईफाई का भी दिख रहा है यहाँ पे कि वाईफाई ब्लूटूथ भी है इसमें। ये 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, इससे आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक्सटर्नल माइक वगैरह लगा सकते हो। ये HDMI केबल और डाटा ट्रांसफरिंग की यहाँ पे पॉइंट्स दी हुई है दोनों, ये भी आपको दोनों मिल जाती है। और प्राइस मैंने बता ही दिया है, जैसे कि 86,995 MRP है, ये लेस करके आपको लगभग 74,000 में ऑनलाइन या ऑफलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट लुक। और बात करें कॉम्बो की, तो कॉम्बो का जो MRP है वो 1,05,995 है, और वो सारे ही ऑफ करके आपको ऑलमोस्ट 91,000 तक मिल जाएगा। और अभी जो स्कीम आ रही है 64 GB कार्ड और बैग, जो कि आपने अभी देखा, वो साथ में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो थोड़ा सा हंटिंग हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, वो इसलिए आगे से शायद हो सकता है मेरे वीडियो हंटिंग नहीं होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो कोशिश करूँगा कि मिररलेस से बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मिररलेस में फ्लैंज डिस्टेंस काफ़ी पास में होता है तो हंटिंग वगैरह नहीं होती। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हुए होंगे आप, थोड़ा सा हंटिंग हो रही है, आउट ऑफ फोकस हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करेंगे। वैसे आप देख रहे होंगे आजकल 15-20 दिन में एक वीडियो आ रही है, थोड़ा सा हफ्ते में 2-3 वीडियो लाने की कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।